पॉलिटिक्स की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की तीन बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं जिस पर लगातार हमारी निगाहें बनी हुई हैं वो आपको बता देते हैं। आज की तीन बड़ी खबरें, तो पहली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चीन पर सर्वदलीय बैठक, जिसमें विपक्षी दलों को चीन के मौजूदा हालात को लेकर केंद्र सरकार जानकारी देगी। दूसरी बड़ी खबर है सेना का डंका, राहुल को शंका, क्योंकि राहुल गांधी अभी भी सेना के पराक्रम पर शक जाहिर कर रहे हैं और साथ ही चीन एक बार फिर से प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या 2020 में ही बंगाल की ममता सरकार को 2021 की टेंशन होने लगी है? क्या ममता मौलवी और पंडितों के बीच उलझ कर रह गई है? ऐसा इसीलिए क्योंकि कुछ दिन पहले पंडितों के लिए हिंदू कार्ड खेलने वाली ममता सरकार ने आज बीजेपी के तर्पण कार्यक्रम को रोक दिया है। कोरोना का हवाला देकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से ज्यादा पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिए गए, इसीलिए अब बीजेपी ने ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। बंगाल में तर्पण भी राजनीति को अर्पण। बीजेपी के पितरों से भी ममता को बैर। ...2020 में ही ममता को 2021 की टेंशन। पहले जय श्री राम पर जेल, अब तर्पण पर ब्रेक क्यों? जी हाँ, ये ऐसे सवाल हैं जो आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की कुछ तस्वीरों के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। एक तरफ ममता सरकार बंगाल में दलितों पुरोहितों के लिए अहम घोषणाएं कर हिंदू कार्ड खेल रही हैं, वहीं उन्हें बीजेपी के पितरों से भी बैर है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जरा इन तस्वीरों को देखिए। कोलकाता में यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल चंद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए जुटा है। दरअसल उत्तर कोलकाता के बाग बाजार घाट पर बीजेपी के नेता बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा में मारे गए अपने कार्यकर्ताओं के तर्पण के लिए आए थे, लेकिन कोरोना का हवाला देकर पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। इस दौरान वहां काफी तनाव हो गया। बाग बाजार घाट की तस्वीर आपको दिखाते हैं, पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। यहाँ पर सुरक्षा बल को यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ाया गया है और यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर अरविंद मेनन और जो है कैलाश विजयवर्गीय, उनको यहाँ पे रोका गया है। जितने भी सीनियर नेता यहाँ पर पहुंचे थे उन्हें फिलहाल आगे जाने से रोक लिया गया है। इस बीच बाग बाजार घाट के पास बीजेपी के महासचिव व प्रदेश बीजेपी के केंद्रीय प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, सह पर्यवेक्षक अरविंद मेनन, राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा, केंद्रीय कमेटी के सदस्य मुकुल रॉय समेत अन्य नेता पहुंचे और सड़क पर बैठकर धरना देना शुरू कर दिया, जिसके बाद तर्पण के लिए अड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई पर बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। इस वर्ष लगभग 4000 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी और बंगाल के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। उन सबको हम तर्पण देना चाहते थे, उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते थे और हिंदू शास्त्रों के अनुसार आज का दिन बड़ा महत्व का दिन है। आज अकाल मृत्यु जिनकी होती है उनको तर्पण दिया जाता है। इसमें परमिशन की भी कोई आवश्यकता नहीं, पर उसके बाद भी हमने परमिशन ली थी कि हम आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ममता जी की सरकार है, पर उन्होंने परमिशन भी नहीं दी, परमिशन कैंसिल भी नहीं की। अभी हम आए तो हमें तर्पण करने से रोका। बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। बीजेपी के मुताबिक उन्होंने कोरोना के चलते पहले ही अपने कार्यक्रम को काफी छोटा रखा था। हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के 100 से ज्यादा परिवारों के बजाय सिर्फ 20 परिवारों को बुलाया गया, बावजूद इसके पुलिस ने उन्हें तर्पण से रोका। अब जो ममता बनर्जी जिन कार्यकर्ताओं की हत्या की गई उनको न्याय देने की बजाय यदि उनको तर्पण के भी अधिकार से वंचित करती है तो इसका साफ संकेत है कि वो हिटलर के आगे बढ़ रही है। वहीं बीजेपी के तर्पण कार्यक्रम को हर हाल में रोकने के लिए पुलिस ने कार्यक्रम के लिए बनाए गए तंबुओं को उखाड़ दिया और उसे वहां से हटाने लगे।
बीजेपी नेता तर्पण के लिए गंगा घाट तक न जा पाए, इसके लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। इस बात को लेकर काफी देर तक बीजेपी नेता और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच बीजेपी ने हार नहीं मानी और पुलिस घेरे को चकमा देते हुए दूसरे घाट पर तर्पण को पूरा किया। बड़े जितने भी नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के, अरविंद मेनन, मुकुल रॉय, ये सारे मौके पर पहुंचते हैं, बाग बाजार घाट पहुंचते हैं आज सुबह वो शहीद परिवार के साथ तर्पण देने के लिए। लेकिन पुलिस वहां पर एक घेरा लगाती है, बहुत बड़ी संख्या में वहां पे पुलिस बल को तैनात कर लिया जाता है। बाग बाजार घाट का जो एंट्री पॉइंट है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, बैरिकेड लगा दिए जाते हैं और यहां पर ये कहते हैं कि उनके पास अनुमति नहीं है, लिहाजा वो तर्पण नहीं कर पाएंगे। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स सोकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। तो ये ममता सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति का एक और चेहरा जो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि जी न्यूज पर आप जो भी खबर देखते हैं वो तथ्यात्मक बिल्कुल सही होती है। हमारे रिपोर्टर मौके पर होते हैं जो आपको जांची परखी न्यूज, हम हवा हवाई कोई भी बात नहीं करते, यानी कि तथ्यों के आधार पर जी न्यूज पर आप खबरें देखते हैं और पूरी विश्वसनीयता के साथ। तो अब हम आपको ममता सरकार के कुछ ऐसे फैसलों के बारे में भी बताते हैं जो आपको ये समझाने में मदद करेंगे कि ममता कैसे तुष्टीकरण की राजनीति करती है और साथ ही वो फैसले ममता बनर्जी के हिंदू विरोधी एजेंडे की तस्दीक करते हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, ये तस्वीरें भी बंगाल की हैं, ये तस्वीरें भी कोरोना काल की ही है। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ये तस्वीरें सिर्फ दो दिन पहले की हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बड़ी तादाद में टीएमसी कार्यकर्ता जीएसटी के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं ये दूसरी तस्वीर आज की है, जब बीजेपी ने बंगाल में हिंसा के दौरान मारे गए अपने कार्यकर्ताओं के लिए तर्पण कार्यक्रम की अनुमति मांगी तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की ओर से दलील दी गई कि कोरोना के बीच ऐसे कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, तो फिर टीएमसी ने ये रैली कैसे निकाली? क्या ममता सरकार को यहाँ कोरोना संकट नजर नहीं आया? क्या कोरोना के बहाने ममता राज्य में दोहरी नीति वाली राजनीति कर रही है? इसीलिए ये सवाल अब बार बार उठ रहे हैं कि बंगाल में अगर बीजेपी कुछ करे तो उसे कम्युनल और ममता दीदी करें तो सेक्युलर कैसे? इन्हीं सवालों में फंसी ममता पर बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। इसके पीछे बड़ी वजह ममता के वो फैसले हैं जो हिंदुओं के विरोध में ममता की तुष्टीकरण की राजनीति के सबूत देते हैं। अक्टूबर 2015 में दुर्गा विसर्जन पर रोक लगाई और वजह मुहर्रम। अक्टूबर 2016 में दुर्गा विसर्जन पर फिर से रोक, वजह मुहर्रम। जनवरी 2017 में मकर संक्रांति पर आरएसएस की सभा पर रोक लगाई। अप्रैल 2017 में दक्षिण दमदम में रामनवमी पर रोक लगाई, हालांकि कोर्ट का स्टे। अप्रैल 2017 में हनुमान जयंती के शांतिपूर्ण जुलूस में लाठीचार्ज हुआ। अगस्त 2017 में शाम 6 बजे तक ही दुर्गा विसर्जन का फैसला लिया गया, वजह मुहर्रम। फरवरी 2018 में बंगाल में आरएसएस के 125 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया। फिर जून 2019 में जय श्री राम नारे पर ममता बनर्जी भड़क गई। 5 अगस्त 2020 को राम जन्म भूमि पूजन के दिन लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि वो तुष्टीकरण नहीं करेंगी तो 2021 का रण हार जाएंगी? कम से कम तस्वीरें तो ऐसा ही इशारा दे रही हैं। एक तरफ ममता बनर्जी बीजेपी के तर्पण कार्यक्रम से बैर दिखाती है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार के खिलाफ रैली करवाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे जी न्यूज पर आप देखिए चीन पर सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ। प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।